हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कल कौन से स्टॉक्स में क्या ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कल के लिए हमने जो इंटरडे के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन किया है उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है हीरो मोटो ग्रुप। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है 4 आवर्स की है। यहाँ पर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप अपसाइड में देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। फिलहाल जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर के लेवल पर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो स्काई ब्लू कलर से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, और यहाँ पे डाउन साइड में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे सपोर्ट ऐड कर रहा है। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन का सेटअप है यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रायंगल पैटर्न में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बॉर्डर रेंज से यहाँ पे रेंज नैरो होती चली जाती है, और यहाँ पे जब रेंज नैरो होती चली जाती है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हाई बनती है, इधर ही अपसाइड में ब्रेक कर जाता है या डाउन साइड में ब्रेक कर जाता है। तो उस केस में यहाँ पे उस साइड का हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अभी फिलहाल हम चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम चलते 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा सेटअप है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हाई बन सकती है कल के लिए। अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम इस लो के नीचे हम सस्टेन कर जाते हैं और यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे सेल साइड की पोजिशन को इनिशिएट करके चलेंगे। और यहाँ पे जो ब्रेक डाउन कैंडल रहेगा उसका हाई यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर जो टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ब्रेकडाउन होगा उस लेवल के नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे, वो यहाँ पर ट्रिगर वो हमारे लिए टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट सिमिलर अगर हम सपोज कल के ट्रेडिंग सेशन में हम जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब जो स्विंग है हमारा और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर बाय पोजिशन को इनिशिएट करके चलेंगे। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगा उसका लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर जो टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा, यहाँ पर आप जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो वहाँ तक हम इंटरडे में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कल के लिए आप हीरो मोटो ग्रुप को अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हो। काफ़ी अच्छे सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जिस साइड का भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हो मिलेगा, उस साइड का यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है। कल के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है अडानी पोर्ट्स। यहाँ पर जो फिलहाल टाइम फ्रेम है 1 आवर की है। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन से हम इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे राउंड नंबर है 700 की। तो यहाँ पे 700 के राउंड नंबर के आसपास हम सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। सिमिलर यहाँ पे अपसाइड में यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और इसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज नहीं कर पाए, यहाँ से हम रिवर्सल हो गए। और यहाँ पर सेकंड थिंग, यहाँ पे रेंज तो फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है सेकंड केस में, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और इसे भी हम मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं। तो कल के लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन सकती है। अगर हम अपसाइड में इस ट्रेंड लाइन का और इस रेंज का अपसाइड में ब्रेक कर जाते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे बाय पोजीशन को इनिशिएट करके चलना है, और जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसका लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हुए मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। तो यहाँ पे 10 to 12 रुपीज़ के यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है। सपोज यहाँ पे डाउन साइड में हम अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम क्लोज कर जाते तो उस केस में हमारा सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके चलना है। तो उस केस में हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल है डाउन साइड में वो हमारा टारगेट लेवल रहेगा। और सपोज मान लो इसी रेंज का हम डाउन साइड में ब्रेक कर जाते तो उस केस में हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों के ट्रेडिंग सेशन में। जैसे हमें यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, इधर अपसाइड या डाउनसाइड, तो यहाँ पे हमें वेट करके चलना है।
जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो अडानी पोर्ट्स को। कल के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है एशियन पेंट्स। यहाँ पर एशियन पेंट्स के चार्ट के चार्ट पे मैंने जो टाइम फ्रेम यूज किया कर रहा हूँ यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिलहाल हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं अपसाइड में। जैसे हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं यहाँ से हम रिवर्सल फॉर्म कर जाते हैं। फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें जो क्लोजिंग मिली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखते हुए मिल रही है। और यहाँ पे अपसाइड में जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। कल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम इसी फ्लो में यहाँ पे हम जो प्रीवियस हाई बना रहे हैं यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म करते हुए चले आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रही है और यहाँ पे जो लोअर लोज है यहाँ पे एक ही लेवल के आसपास है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन का और यहाँ पे इमीजिएट सपोर्ट लेकर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन कर जाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके चलेंगे। और यहाँ पे हम 50 to 20 रुपीज़ के यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कैंडल रहेगा उसका हाई यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न का यहाँ पे कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने पोस्ट किया था अंबुजा सीमेंट, वहाँ पर अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था जिस साइड का भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड पे यहाँ पे मोमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती। तो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मोमेंट देखने को मिलेगा आज के ट्रेडिंग सेशंस में। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे एशियन पेंट्स में फॉर्मेशन हुआ है। तो कल के लिए आप एशियन पेंट्स को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। कल के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है भारती एयरटेल। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है और हम इसी रेंज के आसपास का भी कंसोलिडेशन करते हैं। उसके बाद हम इधर अपसाइड या डाउनसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाते हैं। सिमिलर अभी इसी सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे हम सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप पैटर्न फॉर्मेशन में देखोगे यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर हेड, यहाँ पे राइट शोल्डर, तो यहाँ पे बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सेल तभी करेंगे जब हमें इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। उसी केस में हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको हम रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन साइड मोमेंटम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे हम चलते पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पर भी। कंटिन्यूसली हम रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड मोमेंटम कर रहे हैं और यहाँ पे एक ही लेवल पे यहाँ पे हम सपोर्ट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड में ब्रेकआउट कर जाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे बाय करके चलेंगे और यहाँ पे हम ब्रेकडाउन कर जाते हैं तो उस केस में हम सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके चलेंगे। जनरली ट्राइंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का यही पैटर्न जिस साइड का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है उस साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक रहता है, यहाँ पे खाली मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके आपको ट्रेड इनिशिएट करके आना चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको फाइंड कर वो आना चाहिए, काफ़ी अच्छे सेटअप मिल जाएंगे आपको। कल के लिए हमने जो नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है HDFC बैंक। आज के ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी अच्छे बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिले, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक। यहाँ पे आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। यहाँ पे हम जब हम इस रेंज के ऊपर रहते थे यहाँ पे हम सपोर्ट एक्ट कर रहे थे। जैसे हमने इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। मतलब जो हमारा सपोर्ट हुआ करता था पहले अभी हम उसे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं उसी लेवल के आसपास। और यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके थे लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कल के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हम आज के ब्रेकआउट कैंडल का हाई को क्रॉस कर जाते तो उस केस में हम यहाँ पे बाय पोजीशन को इनिशिएट करके चलेंगे। अगर ये इसी मोमेंटम में कैरी कर जाता है और फॉरवर्ड कर जाता है अपसाइड में तो उस केस में हमें बाय साइड के लिए काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 8 to 10 रुपीज़ के यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे स्पेस है 1550 से लेके 55, यहाँ पे 10 to 15 रुपीज़ का मोमेंटम पेंडिंग है। तो यहाँ पे 8 to 10 रुपीज़ के करके मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। HDFC बैंक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो बाय साइड के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।